हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे बैंक निफ्टी क्या होने वाला है उसका ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यहां पे मैंने लिया ये 1 आवर चार्ट बैंक निफ्टी, और आज बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट 26334, फर्स्ट रेजिस्टेंस 26431, सेकेंड रेजिस्टेंस 26573, the third resistance 26670, the first support 26191, and the second support 26094, and the third support 25952. तो इसमें आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं आफ्टर इसका जो हायर पॉइंट था, जो मैंने सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस लाइन दिया था, तो रेजिस्टेंस लाइन का पास जाके यहाँ से फ्यूचर रिट्रेसमेंट हुआ। तो मुझे लगता है ये जो मैंने मूविंग एवरेज दे के रखा हुआ है 100 एंड 200 और 150, ये 200 एंड 150 मूविंग एवरेज एट प्राइस 26051 जो है, ये रेंज यहाँ तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज हमें मिला हुआ है, ये एक सपोर्टिंग रेंज मिला हुआ है, तो मैंने ये कनेक्ट करके एक सपोर्टिंग रेंज दिया हुआ है। तो सपोर्टिंग रेंज से भी बाउंस बैक हो सकता है, और लेकिन यहाँ पे और एक चीज दिखाई दे रहा है, तो सीसीए अभी भी 100 से नीचे आ रहा है जीरो की तरफ, और स्टॉक्सटिक भी ओवर बोथ से थोड़ा नीचे आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत नीचे आने का चांसेस है। फिर भी देखेंगे ये डेली, क्योंकि अभी तो एक जो सपोर्टिंग रेंज है वहाँ पे भी उस रेंज में है, वहाँ से फिर से रिट्रेस ऊपर जा सकता है, तो इसलिए हम थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। तो 4 आवर में देख सकते हैं ये 200 मूविंग एवरेज एक बार ब्रेक करके फिर से नीचे ब्रेक कर दिया, तो इसलिए ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हमें यहाँ से, यहाँ पे अराउंड 26159 के आसपास में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है प्राइस अराउंड 25500 के आसपास आने का चांसेस है। अगर बाय में जाना होगा तो हमें 26600 का ऊपर से ही बाय लॉन्ग टर्म पोजिशन के लिए जाने का चांसेस है। तो अगर इसको हम 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में आप एक देख सकते हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन दिया था वहाँ के आसपास से फिर से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस थोड़ा कर रहा है। तो मुझे लगता है जब ये क्रॉसओवर होगा तो वहाँ से आप बाय फिर से जा सकता है, राइट। यहाँ पे 5 क्रॉसओवर जब होगा, तो क्रॉसओवर होने के बाद जो कैंडल क्रॉसओवर करेंगे तो वहाँ से हम बाय जा सकता है 100-200 पॉइंट की आसपास से, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।